बलरामपुर जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारी कर्मचारी एवं मीडिया के साथियों से की सौजन्य भेंट। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने पदभार ग्रहण कर जिले के पुलिस अधिकारी कर्मचारी तथा मीडिया के साथियों से सौजन्य भेंट मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, आम जनता अमन चैन से जिले में रहे, यही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही वर्तमान में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का आगमन है, जिसे लेकर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई घटना घटित जिले में न हो सके, आम जनता मुख्यमंत्री से निर्भीक होकर मुलाकात कर सके। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन प्रशांत कतलम सहित जिले के पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद। मेरी यहाँ पे आज सभी अधिकारियों से और निवर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय से जो बात हुई, जो समझा मैंने, उसमें ये कि बलरामपुर के बॉर्डर तीन राज्यों से पड़ता है, यूपी, एमपी और झारखंड से। काफ़ी जगह पे नक्सल सेंसिटिविटी भी बलरामपुर में है और एक बहुत बड़ी संख्या आदिवासी बहुल्य समाज की है, तो ये सब इनके साथ जो जुड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही। और साथ ही अभी अगले ही हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 दिवस का प्रवास भी है, उसको देखते हुए भी जो सारी तैयारियाँ हैं उसका भी जायज़ा आज लिया गया है और उसके ऊपर अभी डिटेल में चर्चा भी होगी, फील्ड विजिट भी होगी। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो काम अभी तक बलरामपुर बहुत अच्छे से कर रही है उसे हम और अच्छे आगे बढ़ाएं, और चाहे वो अपराध से संबंधित हो, चाहे वो शिकायत निकाल से संबंधित हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस से हो या नक्सल फ्रंट पे हो, इन सब में जो अभी तक अच्छा काम हो रहा है उसको हम और आगे तक लेके जाएंगे। जनता और पुलिस के बीच जो संबंध बने हैं उसको बनाए रखने के लिए किस तरह की पहल की जाएगी? बिल्कुल, जैसे कि मैं बताया भी कि क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया ट्राइबल कम्युनिटी हमारे बलरामपुर में है और काफ़ी चीज़ों से दूर है, तो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो अभी तक जो पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों से मिलती है, उनके लिए विभिन्न गतिविधियां, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो खेलकूद हो, इन सब गतिविधियों पे, सामाजिक गतिविधियों का भी ऑर्गेनाइज कराकर लोगों के बीच मेलजोल बढ़ाया जाएगा ताकि पुलिस और जनता के बीच संवाद